भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन का 3 दिवसीय अधिवेशन संपन्न हो गया। अधिवेशन के अंतिम दिन किसान संगठन ने प्रस्ताव पारित कर सरकार से किसानों का कर्ज माफ करने के साथ मिलों पर बकाया गन्ना भुगतान दिलाने की मांग की। भारतीय किसान श्रीमत जनशक्ति यूनियन के अध्यक्ष दादा मानसिंह ने कहा कि देश का अन्नदाता किसान तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार समेत तमाम राज्यों की सरकारें किसानों की समस्याएं दूर करने में नाकाम रही हैं। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार ने MSP पर गारंटी कानून लागू करने का वादा किया था, लेकिन सरकार इस वादे को पूरा करने में नाकाम रही। सरकारों की अपेक्षा के चलते किसानों में रोष है। किसानों की मांगों को लेकर भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटेगा। वहीं यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने मांग करते हुए कहा कि किसानों का कर्ज माफ करने के साथ मिलों पर बकाया गन्ना भुगतान किसानों को दिलाया जाए। किसान और मजदूर देश की रीढ़ की हड्डी हैं। किसान और मजदूर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो देश आगे बढ़ेगा। हम सड़क बंद करने का काम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हम सरकार न करें, हम सड़क पे जाएं और हम धरना प्रदर्शन करेंगे। से हमारा अनुरोध है भारत सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से, ये हम लोगों की बात है, जायज है। मैं लीगल मांगों की बात करता हूँ, अनलीगल तरीके की कोई बात नहीं। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिस पर संबोधन राष्ट्रपति, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली को किया गया है। इसमें इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की मांगे का अनुरोध किया गया है, जिसमें किसानों की बिजली माफी, किसान मनरेगा और इस तरह की समस्याओं का उल्लेख किया गया है। साड़ी मजदूरी ये ज्ञापन मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।